मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ओल ग्रो करना बताऊंगी। और यदि आप घर में चाहें तो इसे घर में ग्रो करें। ऐसे ये प्रायः खेतों में होता है और इसे मिट्टी में लगाया जाता है, लेकिन यदि आपको घर में उगाने का शौक़ है तो आप इसे प्लास्टिक का बैग में मिट्टी भर के लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इस प्लास्टिक के बैग में, ये आटे का बैग है, इसमें एक भाग रेत, एक भाग वर्मी कंपोस्ट और एक भाग गार्डन सोइल मिला करके मिट्टी तैयार की हूँ। और फिर इसमें मैं जो ओल का अंकुर रहता है, कंद रहता है, उसको मैं इसमें लगाई थी और इसे मैं एक सीजन में ही निकाल ले रही हूँ। ऐसे इसे 2-3 साल छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे देखें, अब ये जब इसका जो प्लांट है सूख जाता है, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, तब इसको निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे बैग में लगाई हूँ और बैग में लगाने से इसे निकालना भी आसान होता है। ज़मीन में लगाने पर कोड़ना पड़ता है और यहाँ पे इसकी मिट्टी भी सॉफ्ट है, तो इसलिए इस बैग से इसको निकालना आसान है। और यहाँ पे देखें, अब इसको मैं निकालूँगी, उसके बाद इसे नल के नीचे पानी से अच्छी तरह से धोऊंगी। तो यहाँ पे ये ओल में चूँकि एक ही सीज़न में निकाल ली हूँ, इसलिए ये बहुत बड़ा नहीं हुआ है, फिर भी करीब ये 0.5 किलो का है। और यहाँ पे यदि इसको 1-2 साल और छोड़ दिया जाता तब इसमें और बड़ा होता, लेकिन मैं बस ऐसे अपने शौक के लिए लगाई थी। और इस तरह से आप भी लगा सकते हैं, इसको अपने टेरेस में लगाएं या गार्डन में, कहीं भी कोई बेकार पड़ा हुआ प्लास्टिक का बैग है उसे मिट्टी डाल दें और उसको लगा दें। इसका केयर करना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें पानी डालते रहें। और ऐसे बरसात के सीज़न में तो पानी पड़ते भी रहता है, इन बीच बीच में पानी डालते रहें। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ये जो है ओल में हुआ है प्लास्टिक के बैग में, तो इसे आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।